बाड़मेर के बालोतरा में हुए रेप और उसके बाद हुई हत्या के विरोध में बीजेपी ने अब गहलोत सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर और भाजपा से अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजवर्धन राठौर ने कहा कि अगर आप महिला हैं और घर में अकेले हैं तो आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होगी, क्योंकि अगर आप गहलोत सरकार के भरोसे रहे तो आपका भगवान ही मालिक है। साथ ही राठौर ने गहलोत सरकार के खिलाफ तुष्टीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में जयपुर ब्लास्ट के आतंकी छूट गए, अब बाड़मेर के बालोतरा की घटना तुष्टीकरण का एक और सबूत है। दलित बहन को बलात्कार के बाद जला डाला पर 24 घंटे तक FIR नहीं, फॉरेंसिक टीम नहीं भेजी, क्योंकि अपराधी समुदाय विशेष से है। अगर आप महिला हैं, अगर आप घर में अकेले हैं तो आप बहुत ही असुरक्षित हैं, और इस सरकार से सुरक्षा की उम्मीद लगानी बहुत बड़ी उम्मीद है। ये सरकार गुलामों की सरकार है, इन्हें गर्व है एक परिवार की गुलामी के लिए। ये सरकार कन्हैया के हत्यारों की सरकार है, ये सरकार करौली के अंदर पत्थरबाजों की सरकार है, ये अलगाववादियों के साथ खड़े होने वाली सरकार है, 2008 के सीरियल ब्लास्ट वालों को छोड़ने वाली सरकार है। इनसे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती सुरक्षा की। और जिस तरह से चाल इस सरकार की खराब है, लेकिन चेहरा बदनाम राजस्थान का हो रहा है पूरे देश भर में, ये अत्यंत दुख की बात है। मेवाड़ में एक बच्ची से रेप होता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। मारवाड़ में एक माँ के साथ रेप होता है, उसके ऊपर थिनर डालकर उसके आग लगा दी जाती है। लोगों में गुस्सा है, भय है, लेकिन अपराधियों में कोई भय नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार, अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ये अपने आकाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से व्यस्त है, ये पोस्टर लगाने में व्यस्त है, अपने आकाओं की सुरक्षा के लिए पोस्टर लगा रही है, जगह जगह जा रही है, अलग अलग कोर्ट में पेश हो रही है ये सरकार। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार कतई खड़ी नहीं है। तो वहीं अनीता भदेल ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार के वरिष्ठ मंत्री ये कहे कि राजस्थान तो मुर्दों का प्रदेश है और खुद CM ये कहे कि अधिकतर बलात्कार के मुकदमे झूठे होते हैं, उस गहलोत सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सामाजिक समरसता को लेकर के जब हम बात करते हैं और जब प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र आता है, तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक जिस तरह के हालात इस प्रदेश में बने हैं, बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख नहीं करती हूँ, परंतु इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित ना हो, वो प्रदेश कैसे विकास कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। धार्मिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस सरकार ने लांघ ली है। धार्मिक तुष्टीकरण, वंशवाद और परिवारवाद के कारण जो प्रदेश के हालात बने बहुत अति गंभीर है। अभी कुछ दिनों पहले प्रदेश के सभी डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था एक कानून को लेकर के। यदि इस घटना से मैं उस कानून को जोड़ती हूं तो आप देख सकते हैं 6 अप्रैल दिन में 1:30 बजे की घटना, सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के कारण से परिवार उसको निजी हॉस्पिटल लेके जाता है और पूरे 24 घंटा निकल जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन कोई सुध नहीं लेता उस परिवार की। जो राइट टू हेल्थ बिल है, क्या उसने काम किया क्या इस घटना पर? निजी हॉस्पिटल
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।